आसमान में बिजली चमकती है बाबूजी। जग में जाहिर जिनका लोहा चपला सी चमकती तलवार है, कांपे दिग्गज महीपति डर से सुनकर ढालों की झनकारे। तलवार बाबूजी हाथ में ढाल ऐसे रहता है थाली की तरह गोल कैसे, हाँ ढाल तलवार दोनों रहा तो तलवार से वार करे या सामने वाला कवार अपने ढाल पर रोके। कवि को संकेत करना पड़ा विरह की शुरुआती हवे से बात कैसे भैया हो कहना है। अरे दिसकत छप हो भाई आतुर, दिसकत छप हो भाई आतुर, दिक्कत पलंग घबराए, धरनी का पुत्र प्रवाए, जब कूदे खारे आए। लोरी का लाल चंद्राई बलशाली दोनों लड़का, लोरी का लाल चंद्राई बलशाली दोनों लड़का, तेजा तलवार में माहिर न झुकी है कभी पता का। क्या बात है भैया, जरा आप लोग बात के समझ लें। ओके 10 मिनट हम बोलो तो ते कहानी समझा दे। देवराई जो चनराई सांवर लोरिक या भोरिक से भोरिक कबीरता बहुत है आप लोग सुने होगा, लेकिन देवराई जी और चनराई, देवराई चनराई जब जवान हो गए, जब जवान हो गए बाबू जी तो अपने मन में विचार किए। हाँ उतार भैया, अपने मन में विचार किए, सवरू दादा ये दुनिया में नहीं है, सतिया माँ भी मर चुकी है और लोरिक भी ये संसार में नहीं है बाबूजी, तो देवराई जी और चनराई सतिया माई का पिंडदान करे बदे काशी नगरी में पहुंचे, और पिंडदान करके वापस जब लौटे लागे तो रास्ता में सुरावल पड़ा ननियाउरे, हाँ ननियाउर रहा, और जब सुरावल गांव पड़ा तो देवराइच और चनराइच कुआं पर रुकी गए पानी पिए बदे। अब देवराइच चनराइच के देख के जितनी औरत रहा बाबूजी जी कहा वाह वाह वाह, दूठे जवान कितना सुभर आई है नुही कुआना पर बैठा है, और जे जवान देखे तो कहा हाँ जवान हो मर्द हो तो ऐसे ही हो। विरह में एक लाइन तर्ज है, जा करके ये खबर बाबूजी राजा बामर के यहाँ पहुंची, और जब राजा बामर के यहाँ खबर पहुंची तो राजा बामर के बेटवा नानू, हाँ हो ये नाने हैं, ये नाने हैं और नानू रहे, तो नानू जब देखे आए देवराई चनराई से सारी बात पूछे, और जब देवराई चनराई बताए दिए तो पहले के जमाने में इतना लोग अपने काम में व्यस्त रहे, आई दुनिया तो पहलवानी करते ही रहे,
अननी औरे मौसी औरे जल्दी जाए के टाइम तो नानो भाई ने के तब देखे रहे जब इन्होंने छोट छोट रहे और हनो को नहीं मालूम खाली सुने रहे कि हाँ ननी और तुहारी है जगह बात लेकिन इतना करीब में पहुँच आई है महल है दिखाता इतना जानकारी नहीं बात तो नानू जब जान गए कि इन्होंने हमारे भाई ने है तो देवराई तो चलराई से कहत का है बिरहा में एक लाइन तरजे मास्टर साहब कहना है कैसे हो तरजे शारदा सिन्हा जी वाली आमावा महुआवा के झूमे डालिया सनी तक ने बलम रंग मारो या लेकिन बिरहा में भाव है कहना है कभी तो संकेत करना पड़ा नाधू कहत का है मामा भान जाके अनमो लरिसता मामा भान जाके अनमो लरिसता चला नमी और नाना खातिरदारी करे लागे फरिश्ता नाना खातिरदारी करे लागे फरिश्ता चला ननियर में छाना बदाम ताकि अंदर कभी को संकेत करना पड़ा भैया मामा जी ले आके गए दरबार में का ये भाई ने ननियौरे में सब लड़कियन के बहुत प्यार मिलते चला ननियौरे में छाने बादाम पिस्ता या मेवा मलाई कटता कसना ही अब को में बात का देरी बात कहा माई घर जो ही कहा चला संदेशा हम भेजवा दे चला लिया के महल में गए नमन प्रणाम किए बाबूजी नना अपने नाती के देखें ऐसे गज भर्ग करे जय हुई दौड़ के बाबूजी उठ के दोनों नातिन के अपने गले से लगा लिए जब नतिया के गले से लगाए बाबूजी तो नाना को बहुत सुख मिला कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब बाबू बुल्लू जी गावत रहे अरे प्रीतिया कहे के लगौला बेकल जिया कभी को संकेत करना पड़ा आपके बात हम समझे थे जैसे माई के पेटे में बच्चा रहत है तो जैसे जैसे दिन करीब आवत है औसत औसत परिवार में खुशी होत है कि चला अब नौ मेहमान को उद्गार घर में होए तो सोचा थे कि नौ महीना कितना हालिस बीती जाए
अरे देवाई चसूरावल में रही करके तीन दिना दिहले माथे पर तिलक लग गए और जब लग गए जाए के राजा यदुनंदन के खबर दिया है दिहेन कि जेकरे खिया पठाए रहे वो तो ना ही आए उनके तिलक ना ही लगी कहां तब के तिलक चढ़ी है कहां जेके बरे भेजे रहा उनके भाईने के लोरिक का नाम सुने हैं सावर का नाम सुने हैं सारी बात बताए दिहेन कहां वही अहिरानी के वही माई खोइलन के परिवार का वही जामन है वही खून है वही ब्लड है देवराइज को तिलक लगी है अब बारात फला फला दिन आए आए तो बिरहा के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा तो देखिए बारात सजने लगी और जब सजने लगी और चलने लगे बारात लेकर के तो हुआ क्या मास्टर साहब अरे चले एक लाख बराती
चले एक लाख बराती गजेरी चला तो दूल्हा देखे में लागत कैसे बा। ये जगह पर एक तर्ज बाटे मास्टर साहब, दूल्हावा सजता और सजत बा कैसे सज। हाँ दूल्हावा सजत बा तो देखा पुरनका तर्ज है, पुरनका तर्ज है, हमसे तनिक कमल लही लेकिन हम प्रयास करब कि बढ़िया से बन जाए। कैसे गावे भैया हो दुल्ही न जाए के मेला में घूम दुल्हा हो गई को संकेत करना। अरे वार करे चाचा नबी लड़ा कबा कबलशाली, तो वार करे चाचा नबी लड़ा कबा कबलशाली, छुपाई न दे भाई सोहबल के पता कबा कबल। दुर्गा करती रखवारी हो देवराई तलवार में अपने राख बल संभारी हो, अरे गिरा जमींदर लगे पड़ा चबा का बाका बलशाली।
असर को फेंका गिरा है जाए धारा भैया हो राजा यदुनंदन स्वागत किए सम्मान किए जल जल पान हुआ भोजन हुआ और जब ब्याहे पर बैठत हैं देवराइज तौतली सम्मत पंडित जी वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा ब्याह बड़े प्रेम पूर्वक से हो तो बाबूजी वही जब भंवरी घूमे के टाइम में आए तो राजा यदुनंदन का लड़का जिसका नाम जयचंद बताया गया एक जयचंद पृथ्वीराज के संगे रहे लेकिन वो राजा यदुनंदन का लड़का जयचंद के विषय में लिखा गया तो राजा यदुनंदन का लड़का जयचंद बाबूजी सोचा था ओकर दोस्त तैयार कहा सारे महुगा है कहा एकदम से तुहार इतना नाम बा लड़ाई में इतना बड़ा नाम है पहलवानी में इतना बड़ा नाम है तुहार बाप तो बाप बेवकूफ बिना लोहे लड़े बिटिया के विदाई कह देते है तुहार बहिनिया जहाँ जाए तोहरे बहिनी के मर ही सताना कि तोर भाई इतना बड़ा लड़ाकू रहा लेकिन सर्वाइव को नहीं अजमाऊगा नहीं भैया झूठो नहीं अजमाए जब इतना बतिया सुने बाबू जी तो करे लग गए गुस्सा के कहा अजमावे को सही सही वार कह दिए अजब भावर घूमत है दीदी और जीजा देवराई थे और राजा यदुनंदन के लड़की जब भावर घूमत है तो पाछे बाबू जी जाके खड़ा हो गया और जब खड़ा हो गया तो तलवार निकाल लिए म्यान में से और निकाल के बाबूजी जी वैसे जब वो करे सामने पहुंचे तो मारे से ऐसे एक के हुनी एक के हुनी मारे से ऐसे मुहे के बोले बाहर आई तो परे जब बाहर आई परे देवराज बाबू जी तलवार निकाल लिए और निकाल के कहा तरी आई है बहनी से मेरे ब्याह करे और जने कहा है पिता ने कोई शर्त नहीं रखी थी इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं नहीं तो लाखों लाख बराती आई है तो ये वहाँ पीस के एकदम चटनी बने गई सुने वाले बाबूजी जब इतना बतिया सुनत बा तो मनता है नहीं बा बिना लड़ाई लड़ले जाए न दे तो सिखाई बुद्धि उपराजी माया कतो कतो फायदा दे तो घाटा दे मनता ही नहीं ने जब नहीं मानत बा तो देवराइस तो भावर घूमत चल राइस समझिए सरवा सही मार करे सर सही मार करे बिया हो न दे वही बाबूजी तलवार निकाल लिया और निकाल के लाइक पहुंच गया तने हर देखा बड़का बहादुर है दुल्हा बन के मड़ाई में घूमत है उनके पल्ले कौन हथियार बा तनी समझ हथियार से हाथ खाली बा भावर घूमत है ऐसे जब ऊपर देखे बाबूजी तब तक देवराई तैसे मार दिए नुकरे मुका अब मुका से जब मारे नहीं पर अब वो चनराई पकड़ लिए और जब पकड़ लिए बाबूजी बाल पकड़ करके अब मारे तलवार से खींच करके गर्दन उड़ गया उसका और गर्दन वो काट के फेंक दिए ढकेल दिए हराम खोर नहीं तो मेरे पिताजी के कहने पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया अब यदुनंदन बाबूजी थर 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 कांपने लगे और बहन रो रही है कि अब क्या होगा बनी बनाई इज्जत तो मटिया मेट हो गई कभी को संकेत करना पड़ा राजा यदुनंदन करते क्या है आल्हा के लाइन में कहना है बाबूजी करावे चना राई बनाओ जावा पिताई करावे चना राई
राजा यदुनंदन जब बेटे की ये दुर्दशा देखते हैं, एकलौता बेटा है उसका उत्तराधिकारी अब समाप्त हो गया, बहन भी रो रही है और राजा यदुनंदन रो रो करके बाबूजी सोच रहे हैं कि अब तो शादी यहीं पर स्थगित कर दी जाए और अपने बेटवा के हम देखी ओकर अंतिम दाह संस्कार करब के विदाई करब, मंत्र करब बाकी सदिये न करी। लेकिन बहनिया बिटिया कहत बाकी ये पिताजी विवाह आधा हो चुका है, अब तो जो होना था हो गया, ये इनकर गलती नहीं वे मेरे भाई की गलती थी, इसने अपने गलती के अनुसार इस सजा का भुक्त भोगी हुआ, विवाह तो आधा हो गया, अगर अब हमार विदाई न हुए तो हम जिंदगी भर आपके चौखट पर रहा, कोई भी मर्द या बारात लेकर के मेरा डोला फनवाने नहीं आएगा, कलंक लग जाएगा आजीवन आपके सर पर। इतना बात जब सुनते हैं राजा यदुनंदन तो गमगीन हृदय से पांव पूजे, शादी संपन्न हुई और विदाई हुई। जब विदाई हुई तो कवि को लिखना पड़ा कहना है। के सुरावल लौटे ए भैया राजा बामारी, डोला लेके सुरावल लौटे ए बाबू राजा बामारी, आ जंगी साथे पलटनिया लिवा के जौहरी के राजा बाबर कहे नाती के ब्याह कराए है तो पहले न तो हमारे घरे आए। सुने वाले बाबूजी आपके यहाँ बेटवा का बेटवा के पोता कहती, हमारे यहाँ बेटवो के बेटवा के नाती कहती, अब बिटियों के बेटवा के नातिन का ही रीत रिवाज है, कोस कोस पर पानी बदले तीन कोस पर बानी। नातिक पैदा होता तब के पोता का भैया हूँ। तो देखिए कवि को संकेत करना पड़ा, सुरावल में लेकर के आए और कुछ दिन यहाँ पर बिताए, तब गौरागढ़ की धरती पर पूरा परिवार बाबूजी अपने घर की बहू को लेकर के बड़े सम्मान के साथ गौरागढ़ नगरी में पहुंचे। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के पर्चे के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, राम हित गुरु सीताराम कई गईले गुलशन गुलजार, प्यासा शिव शंकर लिखते गढ़ गौरा का पावन प्यार, लहू में भी उबाल